10 घंटे चीफ जस्टिस साहब ने दरखास्त पर बहस दलाइल सुने, 10 घंटे दलाइल नहीं सुने जाते जमानत के ऊपर, और अगर सुने जाते हैं तो उसी वक्त फैसला दिया जाता है। 10 घंटे सुनने के बाद 10 दिन इंतजार नहीं किया जाता कि उसके ऊपर फैसला दिया जाए, और फैसला भी मुस्तरद का फैसला था तो उसी वक्त दिया जाता, ये 11 दिन की ताखीर ना डाली जाती। सो छोटी छोटी बातों पर ये पूरे का पूरा ट्रायल एक मजाक बन चुका है। इस कोर्ट में भी मजाक बना हुआ है जहां हम इस वक्त खड़े में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक एक हफ्ते की तारीखें डाली गई। एक एक हफ्ते के बाद ऐसी ग्राउंड्स पर एडजर्न होता रहा ये मामला कि जमानत की एप्लीकेशन 10 घंटे उस पर बहस नहीं होती, ना ही उसके ऊपर 4 दिन बहस होती है, और अगर हुई है तो उसके बाद फैसला क्या आया वो भी आपके सामने। अब बात यह है कि आज का जो केस है, इमरान खान साहब का मौकफ आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा, जो अभी उनसे बात हुई। इमरान खान साहब एज एक्सपेक्टेड एंड एज बिफोर लाइक बिफोर इन वेरी हाई स्पिरिट्स थ्रू आउट प्रोसीडिंग्स में वो इंगेज रहे, इन्वॉल्व रहे, और हमें वो वैल्यूएबल टिप्स वो भी, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब से ज्यादा साइफर के इशू को और कोई जानता नहीं है ना समझता है। वो पाकिस्तान के एक मंझे हुए डिग्निफाइड ऑनरेबल सीजनड एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उन जैसे वो जुमले बोलते हैं जिस एहतियात से वो काम करते हैं मैंने शायद ही कभी किसी को इतनी एहतियात से काम करते हुए देखा हो। आज वो भी बहुत खफा थे, और जज साहब को उन्होंने अपना गिला दिया कि मुझे वकला से मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही, मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करने दिया जा रहा कि ये इतना टेक्निकल ट्रायल, इतने इंट्रिकेट इश्यूज जिसके अंदर हैं, मैं अपनी लीगल टीम को इस पर ब्रीफ करूं। इमरान खान साहब के हवाले से ये बताना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने आज साइफर के इशू पर ये पैगाम दिया है कि साइफर का इशू नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे जब रखा गया और ऑफिशियली डीक्लासिफाई हुआ तो फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट कैसे रह गया, ये कभी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आता नहीं। आज तक पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर की इस तरह की प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, और इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है, गलत तशरी की जा रही है हर सेक्शन की। आपने कभी सुना कि एक केस साबित करने चली है सरकार और ये कहे कि हम सबूत नहीं देंगे, हम एविडेंस नहीं देंगे, हम साइफर नहीं देंगे, हम साइफर का मैनुअल नहीं देंगे, साइफर का पूरा कानून नहीं देंगे। चार्ज में 8 मरतबा साइफर का जिक्र हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज फैसला रखा 2023 का, ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहिबा का वो फैसला है, साथ में मियां जस्टिस मंदोखेल साहब का फैसला है कि आप प्रोसिक्यूशन को कंपेल कर सकते हैं सेक्शन 94 सीआरपीसी के अंदर कि कोई डॉक्यूमेंट वो खुद से नहीं देना चाह रही तो कोर्ट दिलवाए। ये मुलजिम का हक होता है कि उसके साथ पास वो मेन सबूत हो, वो मेन इल्जाम हो जिसके इर्द गिर्द पूरा केस घूम रहा है, तो जब वो ही नहीं देना तो फिर ये केस किस बात का, ये ट्रायल किस बात की। तो फिर नजर यही आ रहा है कि ये एक दोबारा तोशाखाना रेफरेंस पार्ट 2 उसका सीजन 2 जो है वो साइफर ट्रायल है। ये बात अब क्लियर है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की धजियां जो है वो बखेर रहा है, एक ब्लेटेंट और ब्रेजन वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की हो रही है। ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये फेयर प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये रेगुलर कोर्ट में नहीं है, ये बंद कमरे के अंदर है, और ये तमाम फेयरनेस के तकाजों को कॉम्प्रोमाइज करता हुआ बड़ी तेजी से, बड़ी स्विफ्टनेस से, बड़ी हेस्ट में, बड़ी जल्दबाजी में, बड़ी उजलत में तमाम फेयर ट्रायल के तकाजों को और डिमांड्स को कॉम्प्रोमाइज करता हुआ ये आगे बढ़ रहा है बड़ी तेजी से, और नजर आ रहा है कि जज साहब क्या करना चाह रहे हैं, किसी चीज का मौका नहीं दे रहे। सो काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं हम इन तमाम प्रोसीडिंग्स में, मगर इन सारी बातों में अब एक ही बात खुशाइंद है, चाहे रिमांड हो, चाहे ओपन ट्रायल हो, चाहे जमानत खारिज होना हो, या चाहे क्वाशिंग ऑफ FIR हो, या डिफेक्टिव यानी कि नाकस चार्ज हो, अब ये तमाम के तमाम मामला जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे। सो ऑल आइज एंड ऑल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर देयर ग्रेशियस इंडल्जेंस, नंबर 1 के इमरान खान साहब के केसेस हो कैसे रहे, और नंबर 2
कि इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में पुलिस फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर तुली हुई है और किस तरह इंसाफ हमें कैसे मिल रहा है, जरा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिट्स एंड पीसेस में रुक रुक के झटके लग लग के, तो ये बात, ये तमाम अब हम अपने फ्रस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखेंगे। इमरान खान साहब का पैगाम यही है कि ना मैंने कोई जुर्म किया है, आई एम अ ट्रू पेट्रियट, ना मैंने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कभी कोई एक्शन लिया है, ना सोच सकता हूं, और ये ऑफिशियल सीक्रेट था ही नहीं, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ मुदाखलत थी, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ मुदाखलत थी, ये इमरान खान साहब को सियासत से बाहर निकालने के लिए एक पैगाम था, फॉरेन इंटरफेरेंस थी जिसे ऑफिशियली डीमार्श किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है और वो साइफर के ऊपर 169 डेज रहते हैं, साइफर भी उनके पास रहता है। शहबाज शरीफ साहब को ना तो इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया जाता है, ना उनको मुलजिम रखा जाता है, ना गवाह रखा जाता है, क्लीन चिट। सो एक चीज, एक डॉक्यूमेंट दो लोगों के पास रही, एक के पास 33 दिन और वो 70 दिन से अंदर है, और एक के पास 170 दिन साइफर रहता है और उसको किसी भी दिन FIA ना तलब करती है, ना नोटिस करती है, ना अदालत तलब करती है। सो वंस अगेन मैं यही कहूंगा, इमरान खान साहब की आज जमानत डिसमिस होना और इमरान खान साहब की क्वेश्चन ऑफ FIR पे रिट पिटिशन खारिज होना, हम बिल्कुल हैरान नहीं है, बिल्कुल हैरान नहीं है, मगर तमाम तवक्कुआत, तमाम उम्मीदें, तमाम एक्सपेक्टेशंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। थैंक यू वेरी मच। नहीं, एक इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कैशी साहब ने जो पैगाम दिया है वो ये है, वो कहते हैं मैं सेहतमंद हूँ और अल्लाह ने उनको सेहत दी है, और पूरी कौम के लिए उन्होंने कहा है कि आप तैयार रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आके मैं इन हालात का मैं मुकाबला कर रहा हूँ, परेशान ना हो। पूरी कौम को एक मैसेज दिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो और आप मुल्क के लिए पूरी कौम तैयार हो जाए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वक्त आ रहा है इंशाल्लाह। दूसरी बात, इंसाफ हमेशा होता देखते आए हैं, इंसाफ बिकता हुआ नजर नहीं आया। आज अब जो इस केस में हो रहा है, इंसाफ बिकता हुआ नजर आ रहा है। कल हाईकोर्ट में एक इश्तियारी मुजरम को उसकी अपील भी डिसमिस हो गई, बहाल हो गई, उसको जमानत भी दे दी। एक इश्तियारी वजीर आजम को, दूसरी तरफ वजीर आजम अंदर पड़ा, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। दूसरा मैसेज आज वाजे तौर पर शाह महमूद कैशी साहब और इमरान खान ने दे दिया है कि मेरा आमर फरूक के पास केस ना सुनवाया जाए, मुझे उस पर कोई इत्माद नहीं। लिहाजा अब कोई भी पिटीशन हाईकोर्ट जाएगी, हम अभी से मैसेज दे रहे हैं आमर फरूक साहब चीफ जस्टिस को कि आप इमरान खान के केस की कोई पिटीशन आप खुद ना सुने, और जज भी हैं उनके पास भेजें। थैंक यू वेरी मच। अबुल असनाद साहब पे उनका इत्माद है, अभी इस पर 5 मिनट।